जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस महाकाथा सीरीज में, जहाँ शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा के हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज को पढ़ने जा रहे हैं। ये आपके भविष्य के लिए, आपके परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये वीडियो काफी बड़ी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय संगठन, जहाँ से आपके भर्ती परीक्षा में अनिवार्य रूप से प्रश्न आता है। अगर आप शिक्षक भर्ती में अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो कॉपी कलम लेकर इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यहां से आपके परीक्षा में 2 अंक निश्चित रूप से आएंगे। 50 नंबर की सीरीज में विविध गणित और सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण सीरीज आपके बीच है। और अगर सुपर टेट शिक्षक भर्ती की तैयारी जूनियर या प्राइमरी की कर रहे हैं तो आप पहले प्रश्न का जवाब भी दीजिएगा और लिखते चलिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, सार का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? अगर आप मेरी वीडियो को रेगुलर देख रहे होंगे, इस क्लास को रेगुलर देख रहे होंगे, क्योंकि यह निःशुल्क कक्षा आपके लिए राष्ट्र हित में, देश हित में है, ताकि आप घर बैठकर अपनी बेहतर तैयारी कर ले। तो सार का सचिवालय कहाँ पर स्थित है, सभी साथी कॉमेंट करके जवाब जरूर दीजिए। फटाफट कॉमेंट करिए, सार का सचिवालय कहाँ पर है। देखिए, अगर हम सार सचिवालय की बात करते हैं तो यह काठमांडू में है। कल हम लोगों ने, इसके पहले लेक्चर में लोगों ने पढ़ा था, कहाँ पर है? काठमांडू में है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी साथी जरूर फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय होता है उस न्यायालयों के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है। एक प्रश्न और आपकी परीक्षा में आएगा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है। मैं चाहूंगा उस प्रश्न का जवाब आप जरूर दीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, सभी साथी जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए, कल के लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था कि अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय होता है इनमें कुल न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। कितने होती हैं? 15 इनकी संख्या होती है। इनका जो कार्यकाल होता है, इनका कार्यकाल कितना होता है? ये 9 साल का होता है। संख्या कितनी होती है? इनकी जो संख्या होती है ये 15 होती है। कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। प्रत्येक 3 वर्ष पर 1/3 सदस्य का निर्वाचन और 1/3 सदस्य का, ठीक है, 1/3 सदस्य का कार्य पूरा होता है और 1/3 की होती है। इस प्रकार प्रत्येक तीन तीन वर्ष पर तीन वर्ष पर करके तीन तीन वर्ष में पांच, तीन वर्ष में पांच, माने 3 × 5, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15 ना एक, हाँ, प्रत्येक 3 वर्ष पर पांच पांच लोगों को होती है। इस प्रकार 9 वर्षों में 15, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा का होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का निर्वाचन महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर दूसरा इसका राइट आंसर होगा। सभी साथी इस बात को नोट कर लें कि महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसलिए यह टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण था। 15 न्यायाधीश की संख्या होती है जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। 3 वर्ष पर 1/3 सेवानिवृत्त होते हैं और 1/3 निर्वाचित भी होते हैं। ठीक है, कार्यकाल इनका 9 वर्ष का होता है। एक बात मैं दोबारा समझाना चाहूंगा, मेरी बात को थोड़ा सा गौर समझिएगा। जैसे इनका जो संख्या, क्या एक ध्यान समझिएगा, संख्या इनकी है 15, कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, लेकिन प्रत्येक 3 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेनानिवृत्त होते हैं, माने 1/3 सदस्य सेनानिवृत्त, 1/3 का मतलब 5 सदस्य, और जब इतना सेनानिवृत्त होंगे तो 1/3 सदस्य का निर्वाचन भी होगा, 5, माने प्रत्येक 3 वर्ष पर 5 नए जज आते हैं और 5 जज की सेनानिवृत्ति होती है। इस प्रकार 15 वर्षों में 15 जज जो होते हैं ये 9 वर्षों के अंतराल पर आते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 20 का राइट आंसर होगा। आप लोग जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, पहला काम वीडियो को लाइक करें, दूसरा काम इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करें। आप ही शिक्षक बनना चाहते हैं, औरों को पनाइए और इस देश हित में, राष्ट्र हित में निःशुल्क शिक्षा का दीप हर घर जलाइए, मेरा आपसे निवेदन है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कितनी अवधि के लिए चुना जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी साथी फटाफट कमेंट जरूर करेंगे। ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे
ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। तो फटाफट कमेंट करके बताइएगा, सभी साथी फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोग 1000 लोगों तक पहुँचाइए, ये आपकी जिम्मेवारी है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र जो महासभा होता है इसके 6 अंग होते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो अंग देखा जाए इसके कितने अंग होते हैं, कुल 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 6 अंग है, और उसमें से एक जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा है। इसके संयुक्त राष्ट्र के समस्त सदस्यों के राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सभा का अध्यक्ष जो होता है, इसके 6 अंग में से एक ये भी है, 1 वर्ष का होता है। इनका कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष का होता है। इसलिए जिन साथियों ने 1 प्रश्न का उत्तर ए दिया उनके जवाब सही है। और अगर आप लोग सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कॉपी कलम पर लिखिएगा और प्रयास करिएगा अपने सभी साथी मित्रों तक वीडियो पहुंचाने की। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व व्यापार संगठन जो अब गैट के स्थान पर क्या हो गया है, उसका मुख्यालय क्या होगा। कल हमने इस प्रश्न का जवाब दिया था, पहले क्या था, गैट था। पहले इसका नाम क्या था, गैट था। गैट का फुल फॉर्म किसी को पता है, कल की क्लास में मैंने इसको पढ़ाया था। देखिए, गैट का फुल फॉर्म क्या है, हाँ, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये गैट था। लेकिन 1 जनवरी, ध्यान से देखिएगा, 1 जनवरी 1995 गैट का नाम बदलकर WTO कर दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। लेकिन आपको बताना है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है, मैं बार बार कहता हूँ आप लोग से, मैं बार बार निवेदन करके कहता हूँ कि भैया सिलेक्शन लेना है तो प्रश्न का जवाब दीजिएगा, वीडियो को अपने साथी मित्रों तक पहुँचाइएगा। कर भला तो हो भला, 1000 लोगों तक संख्या आपकी पहुँचानी है। पहला टारगेट हम लोग का 1000 है और 1000 के बाद हम अगला रखेंगे। मैं चाहता हूं जैसे मैं शिक्षक बनाऊं, आप लोग भी मेहनत करें और आप भी सरकारी शिक्षक बने और निशुल्क शिक्षा दे जैसे मैं आप सभी को दे रहा हूं। देखिए, इसके प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यहां पर जिनेवा होगा। क्या होगा, जिनेवा इसका राइट आंसर होगा। ये स्विट्जरलैंड में स्थित है, विलियम रैपर के पास जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। हाँ, मराकेश समझौता, अगर पूछा जाए किस समझौता के तहत, तो मराकेश समझौते के तहत इसका नाम गैट से बदलकर WTO हुआ था। गैट का फुल फॉर्म क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा सभी साथी, क्योंकि मैंने बताया है गैट का फुल फॉर्म क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। और इसका नाम बदलकर अब हो गया WTO, WTO का फुल फॉर्म क्या होगा, इन दोनों का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैंने ऊपर बताया था गैट का फुल फॉर्म, मैंने बताया यार, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, WTO का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था, एक यूनिक प्रश्न है। राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा मैं आप लोग जल्दी सेलेक्ट हों, और यकीनन GS आपको इससे बेहतर प्लेटफॉर्म पर शायद नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ, UNO में भारत कब आया, ये मैंने पढ़ाया है। मैं उम्मीद करता हूँ अगर मैं कोई चीज़ पढ़ा दूँ फिर आपकी गलती कभी नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जिस दिन UNO की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कितने सदस्यों के साथ, 50 सदस्यों के साथ। इसके पहले लीग ऑफ नेशन इसका नाम था, भारत उसी समय इसका सदस्य बन गया था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए है। कुछ लोग कहेंगे भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, जी हाँ, भारत आज़ाद होने के पहले ही संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए का राइट आंसर है, ए प्रश्न का सही जवाब है, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। आज आपकी संख्या बहुत कम है और आप लोग लाइक भी नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आपकी संख्या इतनी कम क्यों है, और आपसे निवेदन है कि जितने लोग लाइव देख रहे हैं वे सभी अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर, अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि आज आपकी संख्या बहुत कम है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व आर्थिक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूनिक प्रश्न है, ये आजकल ट्रेंडिंग प्रश्न है, ये प्रश्न जो आपके सामने है, विश्व आर्थिक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और जवाब देंगे, विश्व आर्थिक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे।
सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं। विश्व आर्थिक रिपोर्ट बताइए सभी साथी फटाफट कमेंट करके। देखिए विश्व आर्थिक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? देखिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, देखिए आप लोगों को प्रश्न का जवाब देना होगा, गलत या सही सभी लोग जवाब दें, सभी साथी जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, देखिए आप लोग को उत्तर जरूर देना चाहिए। ठीक, अब नहीं देंगे तो भैया मेरा काम है कि हम आपको बताएंगे, एक बार नहीं बार बार बताएंगे। देखिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने एकदम सही बताया है, कुछ लोगों ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इसका फुल फॉर्म कल हमने पढ़ाया था। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा आयोजित एक सर्वे होता है, ये प्रत्येक 6 महीने में प्रकाशित होता है, अर्धवार्षिक में होता है और 1 साल में 2 बार। तो 1 साल में कितना? 1 साल में 2 बार होता है। अब 1 साल में 2 बार का मतलब है 6 माह होता है। और हाँ, यहां से आपका क्लियर हो गया। अब एक प्रश्न आप बताइएगा जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, IMF का फुल फॉर्म क्या होगा? ये मैंने पढ़ाया है, ये हमने पढ़ाया कल की क्लास में, मैंने आपसे बताया है, इससे बाहर आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा में नहीं आएगा। अगर आप इस बात का भरोसा है, सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, तो वीडियो के अंत तक रहिएगा कॉपी कलम लेकर। IMF का फुल फॉर्म बताइए सभी लोग, IMF का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज ए राइट आंसर। इसका मुख्यालय कहां पर है कमेंट करके जवाब दीजिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, WTO मुख्यतः किसको बढ़ावा देता है? जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे तुरंत कमेंट करें और जवाब दें कि WTO मुख्यतः किसको बढ़ावा देता है। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, जवाब देंगे, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी बताएंगे, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और जवाब जरूर देंगे। हम हर एक प्रश्न को पढ़ा चुके हैं, इसलिए अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो भैया जवाब जरूर दीजिएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, वीडियो को भले मत शेयर करिए, मत लाइक करिए, लेकिन जवाब गलत या सही कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखिए WTO का लक्ष्य क्या है? वस्तुओं और सेवाओं के निर्यातकों और आयातकों के व्यापार के संचालन में मदद करना। विश्व व्यापार संगठन समझौते में एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि कानूनी ग्रंथों की गतिविधियों से और ये सिद्धांत बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की नींव रखता है, बहुपक्षीय व्यापारिक प्रणाली की नींव रखता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया था उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। WTO का पुराना नाम क्या है कमेंट करके बताइएगा, WTO का पुराना नाम क्या है? अगर आप इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं तो लाइव जवाब दीजिएगा, अगर इस वीडियो को बाद में देखेंगे तो आप बाद में इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि WTO का पुराना नाम क्या था। जी हाँ, आपने एकदम सही बताया, GATT। अभी मैंने बताया इसका फुल फॉर्म क्या होगा बताइएगा, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। पृथ्वी शिखर सम्मेलन पृथ्वी बचाओ का आयोजन कहां पर किया गया था? एकदम यूनिक प्रश्न, ये पर्यावरण में भी पूछा जाएगा, ये आपके विविध में भी पूछा जाएगा, ये आपके UPTT लेखपाल अन्य सभी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन पृथ्वी बचाओ का आयोजन किया गया था। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। देखिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन यह रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था, ये ब्राजील के। कब हुआ था ध्यान दीजिएगा, यह हुआ था जून 1992 में। और दूसरी बार, ये पहली बार हुआ था, अगर दूसरी बार पूछ दिया जाए तो अभी 2012 में हुआ था। कितने दिन में? 20 साल के अंतराल पर हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन UNCED करता है। कौन करता है? UNCED, बात समझ रहे हैं आप लोग? तो बताइए UNCED का फुल फॉर्म क्या होगा? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे। देखिए यू एन
मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, UNCED का फुल फॉर्म क्या होगा? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं। देखिए, द यूनाइटेड नेशन कन्फर्मेंस ऑफ क्या होगा आपका, कन्फर्मेशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक, इसका उत्तर क्या होगा? दूसरा इसका राइट आंसर होगा द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक, देखिए थोड़ा सा अगर कहीं से अगर हमसे गलती हुई हो तो उसको सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे पूरी तरह से याद नहीं है। ठीक है, हाँ, काउंसिल होगा या कन्फर्मेशन होगा देख लीजिएगा एक बार आप लोग। एक ILO का सही रूप क्या होगा? कल हमने इस प्रश्न को बताया था, ILO का पूरा क्या होगा, इसके पहले लेक्चर में हमने बताया था। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे ILO का पूरा नाम क्या है। सभी साथी फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे, जो भी वीडियो को लाइव देख रहे। कल हमने बताया था ILO का फुल फॉर्म। देखिए, इसकी स्थापना, इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहा जाता है। इसकी स्थापना अगर हम बात करते हैं तो 1919 में हुआ था। कब? 1919 में हुआ था। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जी हाँ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका सही जवाब है। चौथा इस प्रश्न का सही जवाब है। जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर चौथा दिया है उन सभी के जवाब सही हैं और आप सभी शिक्षक बनने के पूर्ण हकदार हैं। ईश्वर करे आप भी जल्दी से सरकारी शिक्षक बने और अपने कॉपी में लिखते चलिएगा, क्योंकि यह प्रश्न आपके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज है। जब आप परीक्षा हाल में बैठेंगे ऐसे तमाम प्रश्न आपको मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक रूप से कब अस्तित्व में आया? एकदम यूनिक प्रश्न है, कई बार हमने पढ़ाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जितने लोग सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, वे सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। यह प्रश्न मैंने कई बार बताया है, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। जी हाँ, देखिए जौनपुर जनपद से क्लास चलती है, अगर ऑनलाइन कोई समस्या हो, कोई मदद हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं क्लास या नोट संबंधित। ठीक है, से प्रतिदिन 9:30 बजे निःशुल्क क्लास आपकी ई लर्निंग में दुर्गेश पर, शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा MCQ की महाभारत सीरीज चल रही है। संयुक्त राष्ट्र का मैंने आपको कई बार बताया है, 24 अक्टूबर 1945, एकदम रट्टा हो गया होगा। मुझे लग रहा है जितने लोग इस वीडियो लेक्चर को प्रतिदिन इस क्लास में रहते हैं उनको पूरा रट गया होगा। ठीक, सभी को रट गया होगा जो प्रतिदिन इस क्लास में लाइव रहते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, चलिए आज थोड़ा सा प्रश्न की सीरीज जल्दी खत्म हो गई क्योंकि आपकी संख्या काफी कम थी। इसके बाद हम लोग आगे मिलेंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे मिलेंगे अन्य प्रश्नों के साथ, अन्य तथ्यों के साथ। तो शायद आज यहाँ पे खत्म हो गया आज की लेक्चर। फिर हम एक शब्द आता है नाटो, मैं चाहूँगा नाटो का फुल फॉर्म क्या होगा। जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा फटाफट कमेंट करके बताएं नाटो का फुल फॉर्म क्या होगा। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, देखिए नाटो एक सैन्य संगठन है। नाटो क्या है? एक सैन्य संगठन है। इसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसका मुख्यालय पूछेगा तो ब्रुसेल्स है। ध्यान दीजिएगा, ये नाटो आपकी परीक्षा में, आपके सिलेबस में है, पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। अगर आप कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो आप इसको जरूर से जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप सभी का एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आपके मन में कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। हाँ, IMF का जो IMF है, IMF में कुल सदस्य देश कितना है? IMF में और WTO में, ध्यान दीजिएगा, IMF, WTO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें कितने कितने सदस्य हैं एक बार आप जरूर लिख लीजिएगा। ठीक, क्योंकि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। फिर यहाँ से आगे जो प्रश्न है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखते रहेंगे, अपना बेस्ट देते रहेंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है,
हाँ राम जी, जल्दी बता देंगे कि आज की क्लास थोड़ी सी छोटी हो गई, हमने ध्यान नहीं दिया और सारे क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाए थे, इसलिए बाकी क्लास के लिए, बाकी लेक्चर के लिए हम लोग अगले दिन एक अगली और एक नई टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। और आप लोग प्रयास करिएगा कि प्रतिदिन 9:30 बजे आप अपने स्वयं अपने सभी साथियों के साथ लाइव आइए करिएगा। और आपसे जितनी जिम्मेदारी मेरी है, जितना मैं आपके लिए अपना मेहनत करता हूँ, उतनी आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने साथी मित्रों को जोड़े और आप अपना बेहतर दें, मैं भी अपना बेहतर दूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा, ईश्वर करे कि आप लोग जल्दी से, ठीक, जल्दी से सिलेक्शन करें और आप भी सरकारी शिक्षक सरकारी अध्यापक बने। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हाँ, थोड़ी क्लास जल्दी खत्म हो गई है, कल फिर मिलते हैं 9:30 बजे, और अन्य सभी क्लास टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक आपको यहाँ पर है डिस्क्रिप्शन में, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क क्लास, निःशुल्क नोट्स आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। अन्य किसी भी क्लास के लिए 6306334367 पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये क्लास जौनपुर जनपद से संचालित की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हम आपको उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं, और अगली बार जब बैठे हैं तो आप जल्दी से शिक्षक भर्ती परीक्षा को उत्तीर्ण कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।